पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जो लोग आरक्षण लगातार दे रहे हैं, हमारे नेता ने जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया, रिपोर्ट पेश करने का काम किया, तो उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसमाई जोरी को लोग चैलेंज करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस वक्त लगातार पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। एक ओर जो विपक्ष है वो केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाती है कि वो लोग आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं, तो वहीं केंद्र सरकार का ये साफ कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो जो ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण है वो जैसे का वैसा ही रहेगा और उसमें जो मुसलमान समाज के लोग आते हैं उन्हें भी उनका आरक्षण मिलेगा। लेकिन इसको लेकर बवाल लगातार जारी है। इस मुद्दे पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी की करिश्माई जोरी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार ने ही बिहार में आरक्षण बढ़ाने का काम किया है। जो लोग मुख्यधारा से नहीं जुड़े थे उनको मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है। तो वहीं सवाल खड़े करते नजर आए कि राजद की सरकार जब 15 वर्षों तक यहाँ थी तब उन्होंने क्या किया तमाम मुद्दों को लेकर और क्या कुछ कहते नजर आए जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। पहले आप ये बयान सुने। जो लोग आरक्षण लगातार दे रहे हैं, हमारे नेता ने जाति आधारित गणना कराकर ससमय आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाने का काम किया, रिपोर्ट पेश करने का काम किया, तो उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसमाई जोरी को लोग चैलेंज करेगा। उनके 15 साल में क्या है ना, कोई समाज का भला हुआ? उनके 15 साल के शासनकाल में कोई समाज को उन्होंने आरक्षण दिया? कोई समाज का भला हुआ? ये तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है कि सब चीज़ हो रहा है। आज जो है सबसे निचले पौदान पर जो व्यक्ति हैं वो भी आरक्षण प्राप्त करके जो मुख्यधारा से हम लोग से भटक गए थे वो लोग मुख्यधारा में जुट गए। आप सुन रहे थे जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को जमकर निशाना साधते नजर आ रहे थे विपक्ष पर। आरक्षण के मुद्दे को लेकर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। राजद लगातार इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार को घेरती है, केंद्र सरकार भी पलटवार करती नजर आती है। तो वहीं आरक्षण को लेकर आज उमेश कुशवाहा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। साफ कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश के करिश्माई जोड़ी को हरा पाना बिल्कुल ही असंभव है, इनकी जोड़ी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। साथ ही उन्होंने बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही बिहार में आरक्षण बढ़ाने का काम किया, उन्होंने ऐसे लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जो लोग अब तक नहीं जुड़ पाए थे, जो सबसे निचले पायदान के लोग हैं उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ा। साथ ही आपको बता दे ये कहते नजर आए उमेश कुशवाहा की 15 साल जब राजद की सरकार रही तब राजद ने क्या किया, क्यों नहीं किसी वर्ग को किसी समाज को आरक्षण दिलाने का काम किया। इस मुद्दे को लेकर जमकर निशाना साधते नजर आए जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा राजद पर। क्या कुछ और कहते नजर आए हमने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।